देखिए वाटिका कैसी है, नव पल्लव हर सुमन सुहाए, पक्षी एक साथ जनकराज की योग वाटिका में कलर कलरव कर रहे हैं। मध्य भाग में एक दिव्य सरोवर रत्नजड़ित उसके प्रकोटे परमात्मा श्री राम मेरे जब दर्शन किए, अरे परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दी। सरकार चहुदे सब चितई पूछ माली गन लगले लेन लेल सुमन कर दो ना कुंवर दो, लेलो सुमन कर दो सुमन भर दो ना कुंवर दो, ले लो सुमन धन्य भाग बगिया बिछिया, धन्य भाग बगिया बिछिया सुमन पर तो ना।
गणों ने अनुमति दे दिया मेरे सरकार। चौदिस चितई पूछ मालीगन लल लगे लेन दल फूल मुदित मन। यहाँ एक सावधानी है, अपने भगवान के श्रृंगार हेतु दूसरे की लगाई वाटिका से फूल बिना पूछे नहीं लोढ़ना चाहिए, नहीं तो आप चढ़ाएंगे अपने घर वाले भगवान को और फल मिलेगा उसको जिसके घर से आप लोढ़ के फूल ले आए। चढ़ाइए आप और पुण्य उधर जाए, ऐसा काम कदापि नहीं करना चाहिए। दूसरे के लगाए आसन पर प्रसाद भी लेने नहीं बैठना चाहिए, वो आ गया तब क्या होगा, सावधान। अभी सरकार पुष्प दल बेलपत्र उतार ही रहे थे, इतने में सखियों के संग में मेरी माता जी पधार गईं। कथा में माँ का प्रवेश हुआ है, गौरी पूजा है तो माँ भगवती को सुनैना मैया ने प्रस्थान कराया घर से राज प्रासाद से, इसलिए भाव श्रद्धा से माँ का प्रवेश हो रहा है। बोलिए किशोरी मैया की जय। कथा में मेरी माँ उपस्थित हुई है, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी संग बिहाई गई रही देखन भूलवाई, ते दो बंधु बिलो प्रेम विवश सीता। ये चतुर सखी ने देख लिया राम लक्ष्मण प्रभु को और आकर सखियों के साथ में मिलकर कहती है, अनेक पद हैं, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, अरे चली अग्र करी प्रिय सखी सोई पीति पुरातन लगे सखी को आगे करके सखियां चल पड़ी। यह प्रसंग वंदनीय है, अभिनंदनीय है, स्मरणीय है। यहाँ मेरी माँ के पांव के नुपुर की आवाज जैसे आई है सरकार के कर्ण पुटों में, लक्ष्मण जी से अपने मन की स्थिति परमात्मा वर्णन करते हैं, परंतु रघुवंशियों का स्वभाव भी बखानते हैं। कारण क्या है भगवान ब्रह्मा जाने। पुष्प वाटिका के प्रसंग में जग जननी को भगवान का और भगवान को जगदम्बा का पावन दर्शन हुआ है। तत्पश्चात दर्शनोपरांत मेरी माँ
प्रेम से हृदय भित्ति पर उकेर ली सरकार को। सरकार ने प्रेम की स्याही से माँ के दिव्य स्वरूप को अपने हृदस्थ पर भाव पर पधराया है। माँ भगवती गिरजा के श्री मंदिर में पहुंचकर और मेरी माँ लक्ष्य पूर्ति को स्मरण करते हुए माता भगवती की जय जयकार करती हैं। यह माँ का अष्ट स्मरण है, इसको अष्टाध्यायी भाव रखते हैं महापुरुष लोग। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।